दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 50 लाख रुपए की टीवी के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगा एक 70 लाख की टीवी के बारे में। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। फोटो में आप देख लीजिएगा कैसा ये आपको टीवी दिखने में होने वाला है, क्या इस टीवी के अंदर खास बात है, इसके बारे में हम आज आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये जो है इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से अब तक इससे महंगा टीवी जो है वो नहीं देखा गया है। इस टीवी की बात कर लेते हैं। ये है सोनी का मास्टर सीरीज़ का टीवी है, Z9G, और ये 98 इंच का जो है टीवी है, जिसके अंदर 8K HDR रेजोल्यूशन जो है हमें देखने को मिल पाएगा। ये एक फ्लैगशिप टीवी है, स्मार्ट टीवी है। इसकी यदि प्राइस की हम बात करें तो ये रफली जो है 49 लाख 13 हज़ार रुपये का ये पड़ने वाला है। और ये टीवी जो अभी इंडिया के अंदर अवेलेबल भी है, यदि आप ख़रीदना चाहते हैं 50 लाख रुपए का टीवी तो आप ख़रीद सकते हैं। वैसे है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो है सैमसंग Q900 QLED जो है ये 8K रेजोल्यूशन है, और इसकी प्राइस की बात करें तो भैया ये है 17 लाख 23 हज़ार रुपये का टीवी है। क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर, क्या आप इतने महंगा टीवी ख़रीदना चाहेंगे, और ख़रीदेंगे तो उस टीवी का क्या करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। भैया मैं तो इतना महंगा टीवी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, आप बताइएगा ज़रूर हमें लिख के कमेंट बॉक्स में। भैया अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।